फ्रेंड्स, ब्यूटी एंड हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हेल्दी DIY हेयर पैक लेकर आई हूँ। इस हेयर पैक को लगाने से आपके बालों की सारी प्रॉब्लम जैसे खत्म हो जाएंगे। अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, रूखी बेजान सी है, क्योंकि सर्दी के मौसम आते ही हमारे बाल काफ़ी रूखी बेजान सी हो जाती है, बाल ड्राई होकर टूटने और हेयर फॉल की समस्याएं होने लगती हैं, तो इन सारी समस्या को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा DIY हेयर पैक है। इस हेयर पैक को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 4 चम्मच स्टीम राइस। आप कोई भी बॉयल्ड राइस भी ले सकते हो। जब राइस की बात करते हैं तो कोरियन महिलाएं की बात आती है। कोरियन महिलाएं इसी राइस का इस्तेमाल करके अपने बालों और स्किन को हेल्दी बनाती हैं। उनके बाल जो है काफ़ी ज़्यादा काले घने लंबे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट होते हैं। स्किन की तो बात ही कुछ और है, उनकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं, स्किन पे गजब का ग्लो होता है, क्रिस्टल ग्लो होता है, और इसी राइस का वो इस्तेमाल करती हैं। तो आपको राइस लेना है 4 चम्मच, अपने बालों के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। अब एक एलोवेरा जेल की पत्ती ली है, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल को पीस लिया है मिक्सी जार में, और फ्लैक्स सीड्स 2 चम्मच, उसके बाद चौथा इंग्रेडिएंट वो है कोकोनट ऑयल। 4 चीज़ों को मिक्स करके आपको हेयर पैक तैयार करना है। तो फ्लैक्स सीड्स और राइस को आपको बॉयल करना है पानी के साथ। जब ये अच्छे से पक जाए तो आपको इसे मिक्सी जार में सभी को मिक्स करके पीस लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स और राइस को एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब सभी को क्या करना है, आपको एक साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल में राइस और फ्लैक्स सीड्स का जो पेस्ट है उसे ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, आपको कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ, मेरा मीडियम बाल है तो इसमें 2 चम्मच ऐड कर लूँगी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। मिक्स करने के बाद अपने पूरे बालों पे, चेहरे में भी आप लगा सकते हो। बाल आपका बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे। ये हेयर पैक जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इस हेयर पैक को दिन में 2-3 बार लगा सकते हो। सर्दी के मौसम में 1 बार भी लगा सकते हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में थोड़े बाल जो है हम लोग कम धोते हैं, दिन में 1 बार ही धोते हैं। तो आप दिन में 1 बार लगा कर अपने बालों को कम से कम 1 घंटे जरूर रखिए। टाइम नहीं है तो कम से कम आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटे में आप इसे सादे पानी से धो लीजिए, फिर आप जो भी माइल्ड शैम्पू धोते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 1 दिन बाद ही आप शैम्पू को अपने बालों पे अप्लाई करें। जिस दिन आप ये हेयर पैक लगाते हो, दिन अपने बालों को सादे पानी से धो लें। सादे पानी से धोने से क्या होगा कि ये जो बालों पर लगेंगे सारे इन्ग्रीडियंट, वो जड़ तक अंदर से आपका अच्छे से पोषण देगा, स्कैल्प की प्रॉब्लम को दूर करेगा, जड़ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बालों को लंबा बनाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये हेयर पैक बहुत पौष्टिक है आपके बालों के लिए, जो बालों को मजबूत बनाता है, बालों को लंबा बनाता है। आपका बाल जो है बीक में 1 इंच तक बढ़ जाएंगे। बहुत ही अच्छा से हेयर पैक है। बाल सॉफ्ट इतनी ज़्यादा हो जाएंगे रेशम की तरह कि आप अपने बालों को बार बार छूने का दिल करेगा। आप बाल को बार बार छूओगे। बहुत ही अच्छा सा ये पोषण वाला DIY हेयर पैक है। तो आप इस पैक को बनाकर दो बार लगाएं और फर्क देखें, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि हेयर पैक कैसा लगा। बहुत ही अच्छा सा हेयर पैक है। अपने डाइट में भी हरी वेजिटेबल फ्रूट्स जरूर शामिल करें, क्योंकि सिर्फ हेयर पैक लगाने से नहीं होगा। अगर आप अपने बालों को अंदर से हेल्दी बनाना चाहते हो तो डाइट में हेल्दी खाना के साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स एंड सीजनल वाले फ्रूट्स भी ऐड कर लें। इससे आपके बाल स्किन जो है अंदर से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपके बालों में नहीं होंगे। तो आप इस हेयर पैक को भी लगाएं और डाइट को भी फॉलो करें, पानी 8 से 10 गिलास पिए। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हो तो आपके बाल हमेशा के लिए हेल्दी बनेंगे, बाल काले घने लंबे हो जाएंगे, ग्रे हेयर आपके बालों में बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो आप इस हेयर पैक को लगाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये हेयर पैक जो है कितना ज़्यादा फ़ायदा किया।
ऑडियो को लाइक ना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।